Beautiful viewers, hello everyone, welcome or welcome back to my channel. You are watching our Spoken Recipes and here I am Arsha and good afternoon. यहाँ पे राइस मिल है, यहाँ पे मौसी का घर था पहले, मौसी यानी कि मोम की कज़न सिस्टर का. एंड इस गांव में हर कोई एक नया घर बना रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है. जब सबका घर बन जाएगा तब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा. मतलब घर बन रहा है मतलब अच्छा घर बना रहे हैं सब. एंड पहले भी अच्छा घर ही था सबका, लेकिन यहाँ 1997 में एक दंगा हुआ था जिसमें सारे घर जला दिए गए थे. उसके बाद से लोगों में वो करेज आया ही नहीं कि नए तरीके से मतलब नया फिर से घर बनाया जाए. जैसे पुराने घर अच्छा खासा जो घर था उस तरीके से मतलब अच्छा घर बनाने के लिए उन लोगों को करेज मिल ही नहीं रहा था. तो अभी बहुत सालों बाद फिर से करेज मिला है तो लोगों ने फिर से अपना नया घर बनाना स्टार्ट किया है, अच्छा अच्छा घर. तो देखिए हर हर जगह पर घर बन रहा है अभी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. रेशन कार्ड निबागे फाइबेने सेकांगना बागे यांग कोसे टिप नाय दं खुला ताबो इ सेका आ इ आते न्यो तो चलिए आप लोगों को मैं जो है अपना जो बचपन बीता जिस गांव में उस गांव को घुमा कर लाती हूँ. तो मैं देखिए मेरे को निकलने का कोई प्लान नहीं था इस कड़ी धूप में, लेकिन मैं बिना चप्पल के ही निकल आए अभी. और ये है मिडिल मामा के घर और उस तरफ है नाना जी दादा जी का घर एंड उस तरफ ही है हम लोगों का घर. और उस तरफ हाँ मैं क्या बता रही, यहाँ पे भी घर था लेकिन वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए, सेटल हो गए हैं. और यहाँ पे ताला लगा हुआ है क्योंकि घर में कोई रहने वाले नहीं है अभी, तो ताला लगा हुआ ही है. देखिए ताला लगा हुआ खंडर जैसा बन रहा है, जंगल भी हो चुका है तो यहाँ अंदर जाना किसी मुसीबत से कम नहीं होगा अभी फिलहाल. क्योंकि मतलब जंगल हो गया है ना, छाप बिच्छू ऐसे वैसे आ गया होगा. एनीवे तो देखिए ये है मॉम के जो मिडिल मामा है उनके घर. तो पास ही है उनके जो बड़े मामा है उनके घर. मतलब ये गांव पूरा हम लोगों का जो है बंसच जिसको कहा जाता है, मॉम के जो है रिलेटिव्स से ही भरा पड़ा है. तो यहाँ पे आउटसाइडर कोई नहीं है, सब घर का ही लोग हैं. तो ये मिडिल मामा के घर है. तो यहाँ पहले मैं अंदर चली जाती हूँ. और देखिए इस तरफ गांव में ऐसा ही होता है घर. और पापा यहाँ पे आके बैठे हुए हैं. और ये देखिए डन डन प्यारे प्यारे टॉयस बटरफ्लाइज. और हम लोग मतलब ऐसे बांट लिया है, मतलब कि मैं पापा इन भैया ने और पापा के साथ और एक आए थे वहाँ पापा के गांव से. तो हम लोगों ने बांट लिया है इस तरह से. क्या बांटा है मैं बताती हूँ. पापा खाना खाएंगे मतलब कि लंच करेंगे यहाँ मिडिल मामा के घर, मैं करूँगी बड़े मामा के घर और भैया इन जो पापा के साथ आए थे उनके गाँव से, पापा के गाँव से, वो लंच करेंगे वहाँ कहा मौसी के वहाँ. एंड पापा मतलब इस मिडिल मामा एंड जो मिडिल मामा के बाद की जो मामा है मतलब कि तीन नंबर जो मामा है मतलब वहाँ से भी सब्ज़ी लेंगे, यहाँ से भी सब्ज़ी लेंगे, ऐसे मिलाकर खाएंगे, ऐसे बांट लिया है हम लोगों ने. और फिर छोटे मामा तो सुबह आए थे फिर चले भी गए, उनका तो घर दूर है. तो यहाँ पर सिर्फ तीन ही मामा रहते हैं. और देखिए कितना अच्छा अच्छा हंस राज क्या बोलते इसको, डक को क्या बोलते, अरे मैं भूल गई हिंदी में क्या बोलते यार याद ही नहीं आ रहा है. ऐसे ही ना जब कहना होता है तब याद नहीं आता, बाद में याद आ जाता है. और मैंने डंबल से थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर लिया क्योंकि यहाँ पे जो भैया है कज़न भैया मामा के जो बेटे हैं मिडिल मामा के वो वर्कआउट मतलब कि बहुत ही फिटनेस फ्रीक है, जिम का सामान वामान रखता है घर में. तो मेरे को डंबल पसंद आया तो मैंने थोड़ा बहुत आर्म वर्कआउट कर लिया. तो यही है बस. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, गर्मी भी है तो
कोई ना, देखिए यही डंबल मैं फिर से दिखाने आई हूँ आप लोगों को। यही डंबल मैंने उठाई और वर्कआउट की थी। बहुत ही हेवी है फिलहाल, भैया का है तो थोड़ा बहुत ही हेवी है, तो मेरा तो थोड़ा वो है 1 kg and 2 kg वाला। ये क्या होगा, 12 8 क्या है, इसमें लिखा भी नहीं है, लेकिन बहुत भारी है ये। और फिर अयो अभी नहाने जाना है, फिर नहाने के बाद लंच करना है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर से जाने होंगे राशन। ओ काम ख़त्म नहीं हुआ ना, ख़त्म नहीं हुआ मतलब कि वही नेटवर्क का इशू था। और ये है कज़न सिस्टर की बेटी, और यहाँ पे खाना वाना ख़त्म, नहाना वहाना हो गया, तो मैं जस्ट राशन में जाने के लिए, रेशन रेशन जिसको बोलते हैं हम लोग बचपन में, जो बचपन में मतलब कि हम लोग जो बचपन में मतलब कि मैं जब बचपन में थी मतलब मैं जब बच्ची थी, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, राशन को हम लोग कंट्रोल बोलते थे, पता नहीं क्यों बोलते थे। और यहाँ मैं जो है सब्ज़ी की जो प्लांट है, यहाँ पे थोड़ा पानी दे देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी राशन। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।